जहां कुछ दिनों पहले सभी कह रहे थे, यहां तक कि साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स की गर्मी से कोरोना नहीं ठीक होता, लेकिन अभी हाल ही में रिसर्च में बात सामने आई है कि पूरी तरह कंफर्म तो नहीं है, पर राहत की बात है यह कि ऐसा मानना है गर्मी की वजह से कोरोना पर असर पड़ सकता है। ये बात की पुष्टि नहीं की गई है कि ये गर्मी से कोरोना ठीक हो जाएगा, पर कुछ रिसर्च से ये बात सामने आई है कि कोई भी वायरस हो, जैसे सार्स जो कि एक तरह का कोरोना ही है, या और भी देखा गया है कि वायरस ठंड में ज्यादा बढ़ते हैं, और गर्मी की जो बात आई है कि इससे असर पड़ सकता है, वो इसलिए कि ये नोवेल कोरोना जो है या और भी वायरस जो होते हैं उसके मुकाबले ये कोरोना ज्यादा एनवलप वाले लेयर के हैं जो कि फैट की होती है। ये वायरस के ऊपर में एक लेयर बनी होती है, एनवलप बनी होती है, लेयर जो बनी होती है वो फैट की होती है, मतलब ये एनवलप वाले वायरस है कोरोना, तो इस जो लेयर जो बनी होती है वो फैट की होती है, जिससे कि गर्मी की वजह से इस पर असर पड़ सकता है, इसे हराया जा सकता है। इसे ठंड में ये क्या होता है कि ये ठंड में सख्त हो जाता है। वैसे नॉर्मल भी आप देखोगे कि चर्बी जो होती है या फिर फैट जो होती है ठंड के दिनों में कठोर होती है, लेकिन गर्मी में वो पिघलती है। तो उसी तरह ही है कि ठंड में क्या होता है कि ये बहुत तेजी से, रफ्तार से ये फैलता है और बढ़ता है, क्योंकि इसके जो लेयर होते हैं, एनवलप जो होते हैं, वो सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, जिसके वजह से ये बॉडी के बाहर काफ़ी दिनों तक का स्टे कर सकते हैं। जैसा कि प्रीवियसली वीडियो पर मैंने ऑलरेडी बताया है कि कौन सी जगह पर कितने दिनों तक का ये जिंदा रह सकता है, बाहर रह सकता है बॉडी पर। तो इसीलिए ये सर्दियों में ज़्यादा इसका देखा गया है कि ये बढ़ता है, पर ये भी साथ में कहा गया है कि सिर्फ गर्मी के भरोसे, वेदर के भरोसे भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि चाइना में ही कुछ शहर गर्म और कुछ ठंडे इलाके भी हैं, पर कोरोना सभी जगह फैला है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जहाँ एवरेज टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्म, ऐसे कंट्री या देश वहाँ कोरोना उतना भी नहीं फैला है। अभी ये गर्मी वाली बात पूरी तरह कंफर्म नहीं हुई है, लगातार इस पर रिसर्चेस हो रहे हैं। ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी मैं यहाँ पे आपको ये बातें बता रही हूँ, ये मैं अपने मुताबिक कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है? जो बात सामने आई बस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर गर्मी की बात है, जैसा कि कुछ हद तक का कही गई है कि असर करेगी कोरोना पर, तो भारत के लिए ये बहुत ही और हम सभी के लिए राहत की बात साबित होगी, क्योंकि अब भारत में गर्मियां अपनी उड़ान भरेगी। अप्रैल से ही गर्म हवाएं शुरू हो चुकी हैं, पर अभी वेदर को लेकर डाउट है, कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन अगर इस बात पर मुहर लग जाती है तो ये हमारे लिए और भारत के लिए बहुत ही राहत की बात साबित होगी। जैसे अभी भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है, पर एक राहत है कि जैसे चाइना में हुआ उससे कई गुना कम, आशा करते हैं वैसी भयावह स्थिति भारत में कभी ना, पर फिर भी इतनी संख्या कम नहीं है, जो कि अभी 4000 के ऊपर भी पार हो चुकी है, पता नहीं कितनी और आगे बढ़ चुकी है। संक्रमित की संख्या है 4000 ऊपर से भी ज्यादा हो चुकी है। कुछ दिन लॉकडाउन है, बचे हुए हैं, शांति से इसका पालन करें, घर पे रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और बाहर ना निकले। अगर निकलते हैं तो निकलते वक्त शॉप में जाएं या सब्जी बाजार कहीं भी, तो मेंटेन डिस्टेंस जरूर करें एंड सेफ रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मैं निवार सुल्ताना उम्मीद करती हूँ आपकी जो भी विषय वो जरूर पूरी हो और मुझे इस पर यकीन है।